हेलो भाई मुरमुवार। अभी देखिए ये वाले जो पेड़ आपको मिलते हैं ना केवल ग्रेटर नोएडा में मिलते हैं, और ये वाला जो आपको पेंट मिलता है ये केवल XUV700 में मिलता है। कहने का मतलब ये है भाई, XUV700 को ना आजकल मैं देख रहा हूँ जो भी खरीद रहे हैं ना सब बेच रहे हैं भाई। अब इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है वो आज हम इसके ना एक प्रैक्टिकल ओनर से बात करेंगे, इस गाड़ी के स्पेसिफिकली नेगेटिव्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने इस गाड़ी को आपको खूब दिखाया XUV700 को, चाहे वो ओनरशिप रिव्यू हो, इसका ऑफ रोडिंग हो, चाहे ड्रेसिस हो, सब चीज़ हमने देख रखी है, लेकिन मेनली नेगेटिव्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई बुराइयाँ क्या हैं जो आजकल इतना इसको ऐसे 6-7 महीने हो गए गाड़ी को इतना सा अब थोड़ा सा नेगेटिव वो मिल रहा है कि भाई इसमें ये कमी है वो कमी है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसलिए पिक कराया ये डीजल लग्जरी टॉप रेंट 1.7 लग्जरी पैक और डीजल ऑटोमेटिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल व्हील ड्राइव तो नहीं है, और ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर टोटल चलने वाली है। तो मतलब जो इसके ओनर हैं उनका टोटल पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है इसका कि इसमें क्या क्या है। एक दो चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें नेगेटिव सबसे बड़े से फील होते हैं ना भाई, पीछे की रो में ना आपको यहाँ पे मिडल सीट में कोई भी एसी ब्लोअर नहीं मिलता है। मतलब आपको अगर हवा सेट करनी है तो वो आगे से ही यहाँ से करनी पड़ती है, पीछे यहाँ पे कोई भी अपना एसी एडजस्ट करने के लिए कोई भी ऐसे बटन कुछ भी नहीं है ना। इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, आगे पीछे तक कहीं भी नहीं है, केवल एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आप जब अपना बूट अनलॉक करते हो ना तो वो केवल यहाँ पे देखने। ये तो वो है सारे जो कमियाँ वो जो दिखती हैं, ये देखिए जो ये वाला पोर्ट है केवल आपको ये मिलता है। अगर आपको अगला टायर अपना इन्फ्लेट करना है तो आपको यहाँ से वायरिंग ले जानी पड़ती है, और जो टायर इन्फ्लेटर्स मार्केट में आते हैं ना वो इतनी लंबी वायरिंग के साथ नॉर्मली आते नहीं है भाई, तो ये वाली एक दिक्कत है, आगे ही होना चाहिए। मतलब जो बाकी गाड़ी हम देखते हैं XUV500 उसमें दुनिया भर के आते थे भाई पहले, खैर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, और पहले जो इनकी सेंग्योंग रेक्सटन आया करती थी उसमें भी दुनिया भर के दे रखे हैं, ऊपर अलग डैशबोर्ड में नीचे अलग, लेकिन आपको XUV700 में बस केवल सिंगल एक वही देखने को मिलता है। कई बार एलेक्सा की बात करते हो, एलेक्सा ढंग से चलता नहीं है, वो अमेजोन म्यूजिक के साथ कोई गाना होगा तो सुन लेगा, वरना वो उसमें पता ही नहीं चलता है। बाकी की आप देखोगे तो की के बारे में भी काफ़ी बुराइयाँ हो चुकी हैं भाई, इसकी थार जैसी की आती है, मैं आपको एक मिनट थार की दिखाता हूँ, ये देखिए कोई कंपेरिज मतलब कोई ना बता नहीं सकता कि कौन सी चाबी किसकी है, बस एक ये फ़र्क है कि इसमें बूट अनलॉक का आता है, थार में आपको लाइट जलाने का ऑप्शन मिलता है, मतलब लाइट सॉरी जो हॉर्न वगैरह मारने लग जाता है उसका ऑप्शन आता है। बाकी लोगोस वगैरह पहले महिंद्रा में ऐसा आया करता था, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इन्होंने नए निकाले थे उसमें ऐसा कर दिया था। चलो मेन बात कर लेते हैं, पब्लिक क्यों भेज रही है इसको। तो दीपांशु भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, कैसे हो भाई? भाई एकदम बढ़िया, मैं आप बताओ? बस बढ़िया भाई, आप ये रहने वाले हैं भाई हमारे ग्रेटर नोएडा के, इनकी है वो शॉप है ना आप जहाँ पे कार सर्विस वगैरह करते हो, तो आपने कार सर्विस की आपको शॉप है तभी आपने ये ली कि दिक्कत आएगी तो मैं अपने आप ठीक कर लूंगा, या कोई और रीज़न था? नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो मुझे तो यही नहीं पता था कि इसमें ऐसी दिक्कत आ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत कंसर्न तो रहता है अगर कोई ऐसे खरीदता है, पर इतना नहीं था कि जैसे आजकल लोग ऐसे बेच रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं पता था कि ऐसी मेजर दिक्कत आएगी। पर भाई मुझे तो जैसे मैंने खरीदी है अब तक मुझे भगवान की कृपा से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा अभी तो प्राउड फील कर रहा हूँ, पर जैसे और लोगों को बेचते हुए देख रहा हूँ तो थोड़े कंसर्न मेरे बढ़ रहे हैं। मेनली जिन्होंने लॉन्ग ट्रिप्स इससे करी है वो इस गाड़ी को बेचने पे उतर आए हैं, तो आपको कैसा फील होता है एज एन ओनर? आपको भी कंसर्न चढ़ जाते हैं कि यार ये तो आपकी हाइट बहुत लंबी है, मेरे को कैमरा मतलब इतना ऊपर करना पड़ रहा है। कितनी हाइट आपकी भाई? मेरी 6'4" 6'4"? अच्छा हाँ बताइए, आपको भी ऐसे फील होता है कि कंसर्न वंसर्न कुछ? भाई अभी तक तो देखो ये सारी न्यूज सुनने के बाद तो थोड़ा बहुत मुझे होता है, पर एक चीज आप वहाँ पे कॉमन देखोगे कि उन लोगों ने जैसे लॉन्ग ट्रिप ये सब करी है और वहाँ पे थोड़ी गाड़ी को रेस ड्राइव भी करना पड़ता है, थोड़ी पत्थर वत्थर पे चलाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इस वजह से खराब हुई है, मुझे उस चीज से कंसर्न उठ गया कि गाड़ी इतना भी नहीं झेल पा रही क्या, मतलब लद्दाख वद्दाख जा रही इतना झेल नहीं पा रही, तो इस चीज़ से मुझे ये। पर मैं भी इसे भी कुछ टाइम पहले हिल एरिया में गया था अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत रफ रोडिंग करी थी इसके साथ और एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है। मेनली सस्पेंशन से आवाज आती बताई? हाँ वही वाली भाई, वो सस्पेंशन वाली जो आवाज़ है भाई उसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके सस्पेंशन भाई आवाज़ बहुत करते हैं, मतलब इसके एक तो इसके जैसे सस्पेंशन पूरी सेगमेंट में कोई नहीं देता, इसके जैसे जो राइड क्वालिटी है जिसमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स आते हैं, पर ये आवाज़ बहुत करते हैं, और ये वाली आवाज़ आगे चल के कर देती है भाई काम, मतलब दिक्कत दे देती है आगे, महिंद्रा भी सोल्व नहीं कर पाएगा इनको, है ना ये वाली चीज़ है। चलो आज ना प्रॉब्लम्स बताओ, क्या प्रॉब्लम्स हैं यार XUV700 में? प्रैक्टिकल ओनर आप 10,000 चला चुके हो, मेरे ख्याल से आप रेस भी खूब चलाते हो, हर तरीके से आप ड्राइव करते हो, जिप जैप जूम आपने सारे एकदम खोल रखे हैं सारे इसके मोड ना। हाँ तो बताइए कितना जनवरी सबसे पहले देखो। मैं क्या कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम कम है पॉजिटिव ज्यादा है, पर आप प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो प्रॉब्लम बताते हैं आपको। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम लगती है भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, अगर ऐसा नेगेटिव ये सब तो वो ऐसी फीचर हो गए ना कि फीचर नहीं है। अगर देखो वैसी जो दिक्कत आ जाती है जो प्रोडक्ट में आप जैसी बता रहे हो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी टाइप की एक आई थी भाई होली के दिन
आई थी जो मैंने आपको बताया था कि होली के दिन हम गाड़ी को अनलॉक कर रहे थे, अनलॉक ही नहीं होके दे रही थी, इसके डोर हैंडल खुल नहीं रहे थे और हमें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि लग्जरी में खुलते कैसे है। फिर भाई इधर आओ, फिर हमें पता चला कि आप एक बार इसे लॉक करना, हम इसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे करके जैसे एक्सपेरिमेंट में करते हैं, फिर पता चला कि ऐसे आते हैं, फिर ऐसे करके उस साइड से हमने फिजिकल की डाली इसमें और उसके बाद भाई फिजिकल की डालती गाड़ी पै 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 बसती रही। अच्छा मतलब लग्जरी पैक में भी इसको आराम से बंदा खोल सकता है अगर कोई चाहे, आराम से तो नहीं खोल सकता, मतलब यहाँ पे ऐसे करना चाहे अगर कोई यहाँ पे दबाएगा इसमें ना एक से भी थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इतने में आदमी थोड़ा आलस करना है इसको जरा करना है भाई, देखो आलस तो क्या ही करेगा भाई इसमें, जल्दी पता नहीं लगता भाई। तो यहाँ से जैसे अनलॉक करा आपने बच जाएगी, आप इसे अनलॉक करो इसे। अच्छा आप जैसे ही खोलेंगे अब बच गया, और हम इसे हम अपने मामा के घर पे थे ऐसे ही इसे घर पे लेके आए थे बस्ती को और एक टाइम तो ऐसा है होने ऐसा भी थोड़े इंटरवल में बज रहा है ना बस्ती चला गया। अच्छा और पूरी गली में एकदम ऑड लग रहा है, सब देख रहे हैं कि भाई कौन है कैसे रोड पे बस्ती आ रही है, रोड पे बस्ती आ रही है, सब देख रहे हैं। आपने सब जगह ट्राई कर ली थी बंद करके, अपने अपने आप ही थोड़ी देर में जाके ठीक होगी, अपने आप ही ठीक हो गए। तो भाई इतना टेक्नोलॉजी घुसा देंगे तो बग्स तो आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो मैंने अपने लाइव यूट्यूब पे डाल रखा है वो सब कुछ क्या हुआ। अच्छा ये पूरा इंसिडेंट जो पोम पोम पोम, कितने किलोमीटर आप पोम पोम करवा के लेते आए हो? 2 किलोमीटर। अच्छा ओ फिर तो मामा नजदीक है आपके। अरे बहुत बढ़िया भाई, आपके नाना ने नजदीक शादी कर दी थी मम्मी की, चलो बहुत बहुत बढ़िया। 2 किलोमीटर में फिर तो कोई टेंशन नहीं है, पोंप कर रही है तो कोई नहीं, इतना तो शादी बरात में पोंप लोग ऐसे ही करते हैं और लोग अपने आप ही हट रहे होंगे आगे से कि भाई एक्सयूवी आ रही है, पागल आ रहा है कोई गुस्से में, वो लोग हवाबाजी भी समझते हैं क्या ही पोंप पोंप बजा रखा है, शो ऑफ कर रहा है। हाँ और ये बता दूं भाई कि ये नोएडा की पहली डीजल गाड़ी थी, है डीजल लग्जरी, डीजल लग्जरी टॉप ब्रांड, आपने डीजल पहले 1.7 में डिलीवर हो गई थी, ये लग्जरी वाली पहली है डीजल में। अच्छा तो टॉप वेरिएंट खरीदा आपने, कितने का पड़ा था भाई उस टाइम पे? भाई ये पड़ा था 26 लाख का हमें, क्योंकि सबसे पहली होती है हमारी बुकिंग हाँ। तो उसमें थोड़ा बहुत ऑफ, मतलब उस टाइम पे थोड़ी बहुत प्रिविलेज थी, मतलब आपको उसमें थोड़ी बहुत कम प्राइस मिला था आपको हाँ। और दूसरी चीज इसमें हमने 25,000 का लिया है नंबर। लोग बताते हैं कि भाई सीट भी ना कई बार ये वेलकम फंक्शन ऐसे काम करता नहीं, सीट जाती नहीं है कई बार, बीच में अटक जाती है, आपको कोई इशू नहीं हुआ? नहीं अभी तक कोई इशू नहीं है और मैं चाहूंगा भी नहीं कि भाई आए, लोग डरने लग गए हैं भाई एक्सयूवी के साथ ना, मैं बता दूं आपको हाँ। कि जैसे आपने बताया ना वेलकम फंक्शन वाला, इसका कंसर्न मुझे उठा भाई, मैंने एक जो उनकी महिंद्रा वाली टेस्ला व्हीकल है ना वो भाई ऐसी आवाज करती है जब उसकी सीट आगे पीछे करते हो, मतलब इसमें मेमोरी में जब पीछे जाती है ना वो थोड़ी आवाज सी करती है। कौन सी है? जो टेस्ट ड्राइव वाली? टेस्ट ड्राइव वाली। अब उनका कहना है कि वो उनकी वो है क्या कहते हैं टेस्ट ड्राइव वाली, दुनिया यूज करती है उसको। यहाँ पे एक और दिक्कत बताता हूँ भाई, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी को ना, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव मोड्स आते हैं, पहली बात तो पेट्रोल में तो ड्राइव मोड्स ही नहीं है, 200 BHP वाली गाड़ी तो बना दी लेकिन उसमें ड्राइव मोड्स नहीं दिए, फिर इसमें नाम जिप जैप जू में से अलग अलग से दे दिया यार, इकोनॉमी सिटी और ये सब दे दो यार स्पोर्ट्स मोड, समझ में नहीं आएंगे कि ये कौन सा जिप जैप, भाई समझ आएगा ही जनरल पब्लिक को जिप जैप जू क्या हो गया। हाँ तो यहाँ पे देखो ड्राइव मोड पे ना, जैसे आपको जैसे आप क्लिक करोगे ना ड्राइव मोड पे करोगे तो ड्राइव मोड पे यहीं से आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए, अब आदमी चलता चलता ड्राइव मोड पे क्लिक करेगा फिर जिप पे अगर उसको सेलेक्ट करना है तो इतनी 10 घंटे तो भाई ये लगाता है इसमें एक्टिवेट होने में, देखना और 90% तो ये होता ही नहीं है, और ये सब एक्सयूवी के ओनर्स को पता होगा कि 90% ये लगती नहीं है ड्राइव मोड पर, जैप भी रहती है डिफॉल्ट। अच्छा हाँ। ये लगेगी ही नहीं? लगती नहीं है भाई, ये आ जाता है सिलेक्टेड ड्राइव मोड नॉट सिलेक्ट। यार ये डिस्प्ले में इतने सारे वो घुसा देंगे, इतने सारे फीचर्स, ये तो ऐसे मैकेनिकल होना चाहिए ना कि बटन दबाया अपना मोड यहीं पे चेंज हो गया, अब आपको डबल प्रोसेस करनी पड़ती है, यहाँ से अलग पहले आपका पेज खुलेगा तो मतलब इस बटन का काम ही क्या, वो तो हम इसमें जाके अंदर से कर सकते हैं फिर तो नॉर्मली, तो यहाँ पे जिप आप सिलेक्ट करोगे तो प्रोसेस होता है देखना, फिर जैप, फिर इसको कस्टम भी आप वैसे तो कर सकते हो, लेकिन जैसा भाई बता रहे हैं कि ये 90% आती ही नहीं यूज में, अगर आपको जिप जैप जूप या अलग तरीके से अपने ड्राइव करने की इच्छा है यूज करने होते हैं तब तो काम ही नहीं करते। अच्छा काम ही नहीं करते, आप आए हो ना तो आज काम कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती करानी है ना, बड़े बड़े नोटी हैं भाई ये। अच्छा सोनी के स्पीकर्स कैसे हैं ये बता जरा? ये चीज मैंने, ये वाली जो चीजें मैंने ये रखी थी नेगेटिव में, क्योंकि इसके जो सोनी के स्पीकर्स हैं उनकी ब्रांडिंग ऐसे करी कि 3D है ऐसे वैसे, पर मुझे कम लगते हैं भाई, मुझे बेस कम लगता है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं कहूंगा कि एकदम बेकार ही है, बेस कम है। अच्छा बेस कम फील होता है आपको? हाँ आप बेस लवर हो क्या? बेस लवर है भाई, अकेले में सुन लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ रही है और यहाँ पे अपना पूरा ये वाला सिस्टम मिलता है। अच्छा लोगों को शिकायतें इससे भी रहती है कि इनकी पोजीशंस बहुत गलत है भाई, इस चीज की पोजीशन है ये एर्गोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत देता है ये वाली जो चीज है, अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा एक मिनट ना। अच्छा जैसे भाई बता रहे हैं इस वाले बटन की, इससे लॉक अनलॉक जो होता है, हाँ यार बहुत पीछे की साइड दे रखा है, मैं नॉर्मली ऐसे रहूंगा,
पहले क्रेटा से आपने एक्सचेंज करी है ये? और क्रेटा भाई मैं बताता हूँ पूरी कहानी है। अच्छा, अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊँ तो ये गाड़ी आपकी वजह से आई है। अच्छा, कैसे मतलब? आपकी वीडियोस देखते थे बलेनो की, बलेनो को देख के ग्लेंजा ली, क्योंकि उस टाइम पे वो जल्दी मिल रही थी तो ग्लेंजा ले ली, एक ही गाड़ी है। अब ग्लेंजा भाई ली ऐसे, मतलब पछताया उसे लेके, हमें आदत नहीं थी, बहुत ही लाइट फील होती थी चलाते हुए, रोज कहीं ना कहीं पिचक जाती थी। हमारे एक तो सांड वांड बहुत घूमते हैं भाई गाड़ी पे आके, मतलब अपना गर्दन भी खुजा जाते हैं ना, तो गाड़ी कहीं ना कहीं से पिचकी मिलती थी। अच्छा, इतनी कम उसकी बिल्ड क्वालिटी, वैसे मतलब इतनी बेकार भी नहीं जितना मैं कह रहा हूँ। और एक और दिक्कत थी उसमें, हमें हमारी जो गाड़ी है, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, 20 की स्पीड पे सामने पीसीआर खड़ी थी पुलिस की, उन्होंने एकदम से ब्रेक ले दी, हमारी 20 पे थी, और उनकी गाड़ी का बम्पर में स्क्रैच आया, हमारी गाड़ी आगे से लाइट वाइट बम्पर खत्म। अच्छा, हाँ, पर हमारे ब्रेक नहीं लग पाए थे। तो पीसीआर वाले गुजरे नहीं आपसे? नहीं भाई, वो जान पहचान निकल गई थी। वरना गुजरे थे, वरना गुजरने के लिए रेडी थे। तो निकलेगी भाई, नाम बताओ नाम क्या है ऐसे। हमने बताया कि ऐसे ऐसे कि हम डैडी वेडी का नाम बताया और गलती बताई अपनी, गलती मानी अपनी, वो डैडी के नाम से पहचान गए कि अच्छा ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा हम तो आपकी कंपनी पे ऐसे ऐसे काम वाम कराते हैं। ग्लेंजा का सीन हुआ, फिर उसको बेच दी भाई, बेच दी ग्लेंजा। हां, बेच दी। उसमें मतलब मनी नहीं बैठा उसमें, ये होता है ना कि गाड़ी भाई नहीं वाली चीज थी। फिर भाई उसके बाद हमने सोचा कि अपने लिए लेते, वरना लेते। फिर डैडी ने बोला कि तुम रहने दो, क्रेटा 5 साल हो गए, हमारी 1.6 ऑटोमेटिक है डीजल। तो डैडी ने बोला कि वो अपने लिए ले लेंगे, तुम क्रेटा रख लेना, हमारे लिए तो अच्छा ही था, क्रेटा मिल रही है ग्लेंजा से। तो हमने डैडी के लिए अच्छी गाड़ी ढूंढी। सबसे पहले हमारे बजट था भाई 30 से 35 लाख रुपए का। अच्छा, हमें चाहिए थी भाई, मैंने फिक्स कर दी थी डैडी से, मैंने कहा डैडी इंडिया वाली चाहिए। उस टाइम पे डैडी थोड़े बहुत बोलते थे कि फोर्ड की गाड़ी है, ऐसे फोर्ड की आजकल ज्यादा वो भी आ रही है डिसकंटिन्यूड होने की, ये सब तो गाड़ी ऐसी ले जिसका नाम है ऑलरेडी। दो चीज का प्लस पॉइंट मिलता है, वेंटिलेशन का और स्लाइडेबल का, और कैप्टन सीट्स तो है ही। इसमें भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सीट्स बेशक सफारी से ज्यादा थाई सपोर्ट है, सफारी से ज्यादा बड़ी है, लेकिन भाई आपको एट द एंड कम्फर्ट की कमी इसमें महसूस होगी, क्योंकि ये स्लाइडेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आगे मैं और मेरे एक और भाई है, उसकी 6'4" उसकी भी है, अगर वो आगे बैठ जाए, मेरे भाई चला रहा, मैं पीछे बैठ जाऊँ, भाई मेरे यहाँ पैर नहीं आते, ऐसी दिक्कत है यहाँ पे। तो स्लाइडेबल ही होनी चाहिए, मतलब ये वाली बात है। और पीछे अगर कोई बैठ रहा है, ये स्लाइडेबल होते तो उसे भी स्पेस मिल जाता, और XUV 700 में पीछे का स्पेस सबसे बेकार है। अच्छा, एक और दिक्कत मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे XUV में आप बैठ जाते हो ना, तो जैसे अभी हम लोग बाहर से वीडियो बनाते हैं भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है आज की तारीख में, इसमें टेम्परेचर वाला सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, 40 डिग्री पड़ रही है। अब जैसे पसीने पसीने हो रखे हैं, तो जैसे हाथ वाथ में पसीने रहते हैं, तो ये गंदा नहीं होता क्या भाई? भाई गंदा ऐसे है कि ऐसे तो नहीं होता, वैसे पसीने वसीने से, पर आपके हाथ गंदे है तो परमानेंट तो नहीं, कुछ टाइम तक तो इसमें रहेंगे, बाकी कपड़ा वपड़ा मार के थोड़ा अच्छे से ऐसे साफ हो जाते हैं। और अपनी हम अपनी कंपनी पे भी एक ड्राई क्लीन करवा लेते हैं भाई। एक और चीज मैं बता दूं, जैसे हमने अब जूम मोड लगा दिया, जो उसका सबसे हाई एंड मोड है, स्पोर्ट्स मोड, उसमें भाई ये शोर बहुत करती है यार, क्या मस्त भागते है भाई ये। आपने वो बंद कर रखे हैं क्या? अडास बडास वाले बंद कर रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। की बसेस भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है भाई। कैसे? मतलब परेशान करती है, आदमी को चला नहीं देती, एक ही लेन में टू 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 बसती रहती है। उससे सही तो भाई सबसे बढ़िया है अपना जो आता है ना अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो तो भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मैं तो भाई उसका फैन हो गया हूँ, वो बहुत काम की चीज है। आप हाईवे पे अगर आप थक रहे हो तो एक लिमिट सेट करके अपने पैर को रिलैक्स कर दो, और सामने कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है, अपना ब्रेक लेती रहेगी, पूरा हाईवे क्रॉस कर लो आप ऐसे, और स्टीयरिंग पकड़े रखो, बेशक स्टीयरिंग मत छोड़ो, और ब्रेकिंग में भी सामने कोई आदमी भी आ जाता है। 360 देखना है, 360 ऐसे चल रहा है भाई, और इसमें फीचर बहुत ज्यादा है भाई। इसमें आपको पार्किंग के लिए भी गाइडेंस मिलती है, ये सारे आप यहाँ से आप रेंडेबल लेते तो यार ऑटोमेटिक पार्किंग हुआ करती है भाई, पर इसमें एडास भी तो है ऑटोमेटिक में, तो एडास आपने ऑफ तो कर रखा है। एडास फिर भी प्रैक्टिकल है, ऑटोमेटिक पार्किंग तो 99% बेकार है। 99 ना 100%। हाँ, मैंने कोई ओनर नहीं देखा वो उसको करता हो। दोस्त पे भाई डिस्कवरी है, जो मैं आपको बता रहा था कि जिससे मैंने ड्रैग रेस करी थी भाई, उसमें वो फीचर है, उसने आज तक जिंदगी में यूज नहीं करा, गाड़ी बेच भी दी उसने 5 साल चलाने। बताओ अब आप भी एडास यूज नहीं करोगे, आप भी बेच दोगे इसको? अच्छा दीपांशु भाई, अब थोड़े पॉजिटिव भी बता दो यार, गाड़ी की हमने बुराई तो बहुत कर ली, कुछ अच्छाइयां भी बताओ, ऐसी बात तो नहीं है। एक एक साल का वेटिंग पीरियड जब गाड़ी पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब खूबियां होती ही हैं। बिल्कुल, कुछ तो वजह होगी। हाँ भाई, तो भाई सबसे पहला पॉजिटिव जो मुझे लगता है भाई, जो कि सही में इस प्राइस में आप ऐसे ले ही नहीं सकते, वो है भाई इसकी परफॉर्मेंस और इसकी ड्राइवेबिलिटी। इसकी जैसी परफॉर्मेंस भाई सही में डीजल में ले लो, पेट्रोल में ले लो, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 85 BHP क्या शू करके निकलती है भाई, है ना? महिंद्रा वाले भाई पता नहीं क्या है, तो सोच के देते हैं, भर देते हैं, मतलब माइलेज की भी नहीं सोचते और भर भर के BHP देते हैं। तो कितनी माइलेज निकालती है ये भाई? ये अगर मैं हाईवे पे ले जाऊँ ना, तो ऐसे है कि 18 तक भी दे देती है। अगर एक 25 किलोमीटर तक के हाईवे पे मैंने इसका 18 का निकाला है, 11 से स्टार्ट करा था, 18 तक वहाँ तक दे दिया था सिटी के अंदर, अभी तो ये 7.6 का दे रही है। आपका कभी मन नहीं करता बेचने का? आपको कभी ऐसे रिग्रेट फील नहीं होता? भाई अभी तक तो देखो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार मतलब मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, तो ऐसा फील तो होता है, पर
अगर दिक्कत आई तो भाई क्या कर सकते हैं, बेचनी पड़ेगी, नई गाड़ी लानी पड़ेगी। प्लस यार फर्स्ट स्लॉट है यार, धीरे धीरे सुधार लेंगे, कोई नहीं। हाँ भाई, और अगर दूसरा स्लॉट भी होता भाई, अभी तक हम पे होती नहीं, हमें गाड़ी की जरूरत भी थी, हम दूसरे स्लॉट में लेते तो हमें जल्दी बुक करानी। चल मुझे पता था कि भाई क्या बुकिंग वो चल रही है, आप थार की देख लो कितनी वो चल रही है। मुझे पता था महिंद्रा की गाड़ी बहुत भयंकर आने वाली है, इसलिए मैंने डैडी से बोले डैडी उसी दिन बुक कराओ जिस दिन टेस्ट ड्राइव ले रहे हो। डैडी से याद आया, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज भी आने वाली है। हाँ भाई, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज तो सही में गेम चेंजर होने वाली है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो देखेंगे भाई डिलीवर कर पाते हैं नहीं, आ तो जाएगी। वही तो यार, लोग इसका प्लान कर भी लेते हैं, ये वीडियोस वीडियोज देख के खुश हो जाते हैं कि भाई क्या मस्त है मतलब। और जिनको जैसे लेनी है और नहीं मिल रही ना, तो वो ऐसे नेगेटिव देख के खुश होते होंगे कि चलो यार बढ़िया है, नेगेटिव से कोई और गाड़ी देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इसके पॉजिटिव देख के दुखी होते होंगे। हाँ ये तो है भाई, ये तो है। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अब सफारी का मैंने आपको बताया नहीं था, वो कैंसिल करने के बहुत रीजन से, मतलब इंटीरियर हो गया थोड़ा, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हो गया, इतनी ज्यादा पसंद आ नहीं रही थी, डैडी को भी नहीं आ रही थी। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकदम से क्रिटिसाइज कर देते हैं एक्सयूवी को, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया तो सफारी है। मैं उन्हें कहूंगा कि इस पे इतना ध्यान देने से सही, वो ये भी करे कि सफारी को, टाटा वाले पे जोर लगाए कि सफारी को थोड़ा और इंप्रूव करे। आपका सजेशन नोट कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर महिंद्रा वालों थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ा लो यार, इतनी अच्छी गाड़ी बना रहे हो तो प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे लो, बंदे का मन करे तो खरीद तो ले। हमारे पड़ोसी ने कराई, नेक्स्ट डे 8th उनकी एक साल बाद आ रही है। चलो भाई, जैसे इनकी श्रद्धा है, इनको पैसा कमाने से मतलब है नहीं है, पता नहीं भाई, इनकी डीलरशिप तो एक्सेसरीज इन टॉप ब्रांड्स पे भी बेचने का बहुत जोर मारते हैं कि ले लो। वो कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भाई कैसे कुछ चल रहा है। वीडियो देने आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु भाई अपने पूरा एक्सप्लेन शेयर करने के लिए, XUV700 डीजल ऑटोमेटिक लग्जरी पैक के साथ। वीडियो देने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।